नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्र जमींदार ब्लॉग्स में। आज हम लोग दिल्ली से जयपुर आ रहे थे, तो आज हमारे को एक चीज़ देखी हमने कि कई लोग ना साइड में से रोड क्रॉस करते हुए आ रहे थे, तो जब पता किया तो लोग टोल बचाते हैं। तो आज हमने भी सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली बिना टोल दिए कोई आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसमें उसको नुकसान है या फायदा है। पर पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बोल दूँ कि टोल नहीं बचाना चाहिए। सरकार के जितने पैसे हम टोल में देंगे उतने पैसे ही वो सड़कों पे और अपने डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो आपको टोल देना ही है। तो आओ देखते हैं कि ये लोग टोल बचाते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है। तो देखो मैं अभी टोल पे खड़ा हूँ, तो हम लोग आज दिल्ली गए आए हुए हैं। तो दिल्ली से जब हम जयपुर जाएंगे तो बीच में चार टोल पड़ते हैं, तो चारों टोलों में पता करने पर साइड में से दसते हैं सब में जिनसे लोग टोल बचाते हैं। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि अगर जो ये टोल है इनको बचाने में कितना तो फर्क पड़ता है पैसों का, और कैसे रास्ते हैं और कैसी जगहों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये पहला टोल देखते हैं कि यहाँ पहला टोल था, अब ये टोल नहीं, तो पाँच टोल होते हैं। यहाँ से टोल हटा दिया और बस जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए टोल है। तो चलो हम आ गए। अब देखो यहाँ हल्दीराम है ना, उसके पास मानेसर वाला टोल आता है और ये इसका बोर्ड आ गया टोल 400 मीटर। तो इसके लिए हमने जब पता किया तो ये होटल है, ये होटल के सामने से रास्ता जाता है, ये होटल का नाम है अजय प्लाजा। तो हमें क्या यू टर्न लेके आना होगा टोल से पहले, और रॉन्ग साइड चलना 100-200 मीटर, उसके बाद अपन को लेना है राइट साइड में टर्न। तो चलो देखते हैं, पहले देख भी लेते हैं कितने का टोल है। तो चलो ये टोल है, हम कार से जाने तो 80 रुपये का टोल है वन साइड। तो चलो हमने यू टर्न ले लिया। देखो ये भी रिस्की है, आगे से बहुत व्हीकल आ रहे हैं, तो ये टोल बचाने का चक्कर थोड़ा सा मेरे को उल्टा ही लगता है। इसलिए मैंने शुरू में वीडियो में कह दिया था कि टोल देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही, पर फिर भी एक अलग से रिस्क है कि आप और रॉन्ग साइड चलते हो तो आपको हादसे का शिकार हो सकते हो, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो फिर भी देखते हैं हम कि कितना रास्ता क्रॉस होता है और कैसे टोल बचता है और कितना फर्क पड़ता है अगर ये टोल बचाते हैं। तो देखो ये सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं, अपने को राइट साइड में घूमना है। यहाँ से भी क्या है, ये लोग टोल उधर से बचा के वापस घूम के जाते हैं, ये और यहाँ अंदर फैक्ट्री है। तो अपने ग्रूज टूल्स के सामने से अपने को ग्रूज जाना है, तो यहाँ से लगभग लगभग 1 किलोमीटर चलना है अपने को इसी रोड पे, और इसी रोड पे 1 किलोमीटर चलने के बाद अपने को वापस राइट लेना है, वापस नेशनल हाईवे 48 पे आने के लिए। तो देखो यहाँ पे फैक्ट्री एरिया है और ये बहुत से लोग जा रहे हैं इधर आगे, तो हम इस रोड के एंड पे आ गए। अब यहाँ से अपने को वापस राइट साइड घूमना है और यहाँ भी ट्रैफिक है, और ये जो तो अपन रोड पे आए थे ये रोड तो ठीक थी। अब देखो चढ़ते हैं और यू टर्न लेते हैं, ये सब व्हीकल उधर से आ रहे हैं। देखो ये सारे जो टोल बचाते हैं ना इधर से नीचे जाके बचाते हैं, और ये आगे से अपने को यू टर्न लेके वापस रोड पे आना है। अब YouTube पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो जो चीज़ दिखती है हम उसी चीज़ पे व्लॉग बना रहे हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँगा आपके साथ, जिससे क्या रहता है कि रियल लाइफ में जो होता है ना वो समझ में आता है क्या है क्या नहीं है, एक बनावटी दुनिया नहीं होती यहाँ पे। तो देखो हम इस रोड पे आगे चलते हैं 500 मीटर, ये हयात होटल है। इस हयात होटल के सामने से ही ये रास्ता आता है, और इससे इस हयात होटल से भी 400 मीटर पे टोल है, तो लगभग लगभग 800 मीटर हम टोल से आगे आगे 400 मीटर और 200 मीटर पहले घूम गए थे, तो 600 मीटर आगे आगे, और हमें चले हैं लगभग 1.5 किलोमीटर आसपास, और 1.5 किलोमीटर आने के बाद हम वापस रोड पे चढ़ जाएंगे। तो ये था पहला टोल जो कि मानेसर वाला टोल है, और इस टोल को क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। तो इसमें 80 रुपये का टोल है, तो इसमें हमारा लगभग लगभग डीजल चला है 5-10 रुपये का मान लो, और उसमें भी हम आगे आगे तो 10 रुपये का डीजल चला के मतलब ये 70 रुपये का फ़ायदा होता है। पर ये रोड रिस्की है,
मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी जगहों पे टोल बचाने की जरूरत नहीं है। इतना तो आपका एक साथ ही नुकसान हो जाए कभी कोई हादसा हो गया तो इस टोल को बचाने के लिए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और अब चलते हैं अगले टोल पे। पहले अगले टोल पे चलने से पहले हम चल जाएंगे राव पे, अब क्योंकि दिल्ली से निकले हैं तो थोड़ा सा ना ये यहाँ पे फ्रेश भी हो लेते हैं, क्योंकि राव होटल अब मैंने सुना है कि ये पहले के बाद चेंज हो गया है। अगर आपने पहले राव होटल देखा हो कभी तो मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ नहीं है पुराने राव की, पर हम लोग देखो अब राव पे आ गए। इसको ओल्ड राव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नाम से बहुत से रेस्टोरेंट खुल गए। और ये भी एक ऐसी जगह है जो छोटा सा ढाबा हुआ करती थी और आज इसकी बहुत सी होटलें खुल गई। और ये भी देखो पूरी VIP तरीके से होटल खुल गई। तो चलो इसकी पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। लो भाई आ गए हम ओल्ड राव। धूप बहुत हो रही है, धूप भी नहीं है, बारिश का मौसम हो गया, पर ये सीधी आंखों में आ रही है। पर देखो आपको दिखाता हूँ ओल्ड राव, ये पीछे होर्डिंग है और कितना डेवलप हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से 100-150 गाड़ी कभी खड़ी है, ये इसका रूटीन है, हमेशा इतनी गाड़ियाँ तो इस पर खड़ी रहती है, इसी वजह से तो इसका नाम इतना हो गया कि लोग लाइन लगा के बैठते हैं। अब जब हम पहले आते थे तभी एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था, पर हम लोग ये कह सकते हो कि जब इसके शुरुआती दौर था उसमें हम लोग इसको फूट गए हैं। और ये धूप भी बहुत हो रखी है तो अभी थोड़ा सा ना वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो चलो चलते हैं आज, आपको गाँव पसंद है गाँव देखा होगा, इन्होंने नहीं देखा मैं दिखा देता हूँ कैसा है, कैसी बिल्डिंग है। खाना तो पहले इसका बहुत अच्छा था, आपको पता नहीं, आप देखेंगे उधर। तो देखो फाउंटेन लगा दिए मेरे बच्चों को देखे लिए। और ये देखो ये पहले छोटा सा ढाबा हुआ करता था, जब इसको आप देख के सोच सकते हो कि इसने कितने ग्रोथ किए। और जो लोग यहाँ आते हैं वो सब जानते हैं। और ये देखो जिनको सेल्फी का बड़ा शौक है 360 डिग्री आजकल सब जगह लगने लग गया। और ये देखो बाइकें खड़ी कर रखी है, ये पनीर टिक्का के लिए यहाँ शॉप है, बुक्स की रिंग की। तो ओवरऑल कहने का मतलब बहुत अच्छा डेवलप कर दिया इसको, ये वॉशरूम के बाहर लगी है फिश, बड़ी प्यारी प्यारी फिश है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी इसलिए मैंने इसको वीडियो में ले लिया, मेरे पास मेमोरी के लिए पड़ी रही है। बड़ी अच्छी लग रही है, फिश टैंक काफ़ी बड़ा है। तो चलो बाहर आते हैं। ये देखो आप रोड से आते हो जयपुर के पीछे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है इसका अलग से। ये देखो पार्किंग भी बहुत बड़ी है। और ये देखो पनीर टिक्का इसकी शॉप है। तो पहले यहाँ खाने का था पर अब मामा कह रहे हैं कि होटल हाई वेकिंग पर रुकेंगे, अभी बुक नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ से तो जा रहे हैं और नेक्स्ट स्टॉप करेंगे हम होटल हाई वेकिंग। पर होटल हाई वेकिंग से पहले हम लोग सांझापुर टोल क्रॉस करना है। तो हम लोग सांझापुर टोल क्रॉस करने के बाद शाहपुरा वाले होटल हाई वेकिंग पर रुकेंगे। मेरे देखो जल्दी जल्दी दिखाता हूँ होटल ओल्ड राव, जो छोटा सा ढाबा हो कितना बड़ा ग्रोथ करना है। तो इतनी गाड़ियाँ के सामने खड़ी है तो सोच सकते हो उसकी अर्निंग क्या है। देखो इनकी मेहनत तो लगी है पर मेहनत के बाद अब उनको मजा। तो भाई देखो फ्यूल की डिमांड हो गई जाएगी और चलते चलते बारिश भी आ गई, सबसे पहले फ्यूल भरवाते हैं इसमें। तो इसमें ये डीजल कार जो डीजल डलवाते हैं, जैसे हमने पहले डीजल भरवाया था तो हमने रेट देखे 93.66 और यहाँ पर देखते कि यहाँ पर क्या प्राइस है। तो देख दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान में कितना फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो उनकी रेट है 89.49, लगभग 3.5 रुपये का डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ से फिल करा लिए और अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे है ना सेकंड टोल जो आएगा वो आएगा सांझापुर, क्योंकि रमाडा आ गई सांझापुर से पहले, रमाडा से 1.5 किलोमीटर आगे नीचे उतरेंगे हम लोग। और ये सेकेंड टोल आएगा इसको सांझापुर कहते हैं। और यहाँ का टोल सबसे ज़्यादा इस रोड पे, इसके यहाँ का शायद पहले 122-125 रुपये का टोल था, अगर अब बढ़ गया और 135 रुपये का टोल हो गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टोल है एक जगह के लिए। अरे पैक हाईवे भी नहीं है थोड़ा सा, देखो जिस हिसाब से क्वालिटी होती है उस हिसाब से टोल होता है। और यहाँ का टोल है ना बहुत ज़्यादा है, जिस हिसाब से उन्होंने रोड को मेनटेन कर रखा है। कोई नहीं ये सरकार की प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम है या अपन सरकार को बोले कि यहाँ पर रोड अच्छी नहीं है, आप टोल ले रहे हो तो रोड अच्छी बनाओ। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इस रोड से रहते हो टोल मत बचाओ, आपको टोल देना है, पर टोल देने से हमें क्या अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छी रोड मिलेगी, इसलिए कंपलसरी है टोल देना। तो आप
टोल बचाने की ना सोचे, बस ये तो एक एंटरटेनमेंट और एक कंफर्मेशन वीडियो है कि हाँ भाई टोल बचा सकते हैं, लोग हैं बचाते हैं, वो देख रहे थे हम आज, इसलिए हमें वीडियो बना लिया। तो सांझापुर के फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही हमें दिख जाएगा सांझापुर का मार्केट। अब देखो फ्लाईओवर से नीचे उतरते 100 मीटर के बाद अपने को लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेते ही सांझापुर का गांव आ जाएगा, मतलब टाउन आ जाएगा। सांझापुर एक टाउन है तो काफ़ी बड़ा, पर यहाँ पर ये देखो ये अंडर पास उधर जाते हैं, तब इसके नीचे से जाते हैं और अपने को जान तो लेफ्ट लेके नीचे उतरना है। किलोमीटर दिखा देता हूँ आपको, 20,204 किलोमीटर अपन नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ से अपने को टोल पड़ता है 3 किलोमीटर, फिक्स 3 किलोमीटर पे यहाँ से टोल है। तो देखते हैं कि ये अपन जितना घूम के आएंगे वो क्या वर्थ है क्या टोल बचाने के लिए, क्योंकि आदमी अंदर घूमेगा 10-12 किलोमीटर घूमेगा, मुझे जहाँ तक पता चला ये काफ़ी लंबा सफ़र है, जो जब इसमें लोग ज़्यादा लंबा घूमेंगे तो लोगों का नुकसान भी, इससे अच्छा तो टोल देके जाएं। देखते हैं कितना है, अपना तो पहले टाइम है तो कितना लंबा पड़ता है ये देखते हैं। तो देखो भाई हम सांझापुर के अंदर चल रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड टोल है, तो देखते हैं देखिए कितना लंबा पड़ता है। अभी हम लोग 2 दिन से सफ़र ही करते हैं, तो हम लोग वैसे भी थके हुए, पर हमने सोचा ब्लॉग तो बना ही लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने ब्लॉग बनाया। तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बड जाट बै रोड यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो जाट बै रोड होते हुए एक बै रोड निकलता है रास्ता, वो यहाँ से शायद 20 किलोमीटर पड़ेगा, पर ठीक है वो भी, पर वहाँ भी टोल लगता है, स्टेट टोल लगता है, वहाँ शायद 65 रुपये का टोल लगेगा जब तक आप बै रोड जाओगे, तो वहाँ भी टोल, वहाँ टोल देना पड़ता ही है, तो वहाँ का पता नहीं कि भाई साइड से लोग टोल में जाते हैं नहीं जाते। तो जैसे हम सांझापुर के अंदर से आगे गए, तो आगे जाने के बाद ये हमको ऐसी रोड मिलेगी, और ये रोड सिंगल रोड है, तो इस पर यहाँ की लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, जाट वे रोड की तरफ से जो लोग आते हैं वो चलते हैं। यार हमें प्यास भी लगी है, तो हमने सोचा कि पानी पी लें, तो हमें एक गाँव में फ्रिज दिख गया, ये एक गाँव है, पर यहाँ व्यवस्था मुझे अच्छी लगी कि यहाँ इसमें बाहर फ्रिज लगा हुआ है रोड पर लोगों को पानी पीने के लिए, तो यहाँ से ठंडा ठंडा पानी फिल कर लेते हैं बोतल में। यहाँ इधर क्या है कि यहाँ जैसे मैंने देखा ना, यहाँ पे लोग थोड़े से सुविधाएँ ज़्यादा मेंटेन करते हैं, जैसे देखा जाता है ना कि थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं, वैसा लगा मेरे को, तो ये अच्छा भी है। और यहाँ 2-4 रस्ते हैं मैंने देखे, जो सैनिक है वो उनकी समाधियाँ बनी हुई, इसका मतलब यहाँ सैनिक भी बोलते हैं, यहाँ से जो शहीद हुए हैं वो उनकी जो मूर्तियाँ बना रही थी, तो ये भी सम्मानजनक बात है। जब भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो दिल में सम्मान और ज़्यादा पैदा हो जाता है इन लोगों के लिए, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, वो इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो चलो देखो हम लोग आ गए, क्योंकि ये मंदिर है, इस मंदिर के सामने से घूमना है शायद, क्योंकि इधर रोड यही जा रही है बड़ी, और ये कोई सोभाग जूस सेंटर है, चाइनीज कॉर्नर भी है, यहाँ से अपने को राइट टर्न लेना है, और ये शायद नीम का थाना पहुँचेगी रोड, यानी टोल से 3 किलोमीटर पहले पहुँच जाएगी रोड, तो हम अपने को यहाँ से चलना है। तो इस रोड पे 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद अपने को दिख रहा है हाईवे, और यहाँ से बस 200-300 मीटर पे अपने को हाईवे दिख गया, ये पहाड़ी है छोटी सी, तो बड़ी अच्छी लग रही है। अभी क्या है ना कि बरसात आई है ना, तो बरसात आने से क्या सब जगह हरा ही हरा है, तो यहाँ आपका बाहर जाने का मज़ा इस बार लोगों से ही आता है, बस बाहर उमस ना हो तो आपको ना आपकी आंखें ना इतनी हरियाली देखेगी, तो आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। तो देखो हम आ गए हाईवे पे, सामने जो बसें दिख गई, ट्रक दिख रहा है, बस यहीं से अपने को लेफ्ट लेना है, और ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नीमराना राफेल 24 किलोमीटर है, यहाँ से राइड लेके लोग लेते हैं, तो अब देख लेंगे भाई कितना किलोमीटर आए हम लोग, तो ये हो गए 13, तो हम लोग लगभग 9 किलोमीटर आए हैं, इसमें हम लोग अपने को एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर चलना पड़ा है, पर ये अगर आप इतना अंदर घूम के आते हो आपका टाइम भी वेस्ट होता है 9 किलोमीटर जाने में, और पेट्रोल भी तो डीजल तो लगभग है, क्योंकि हाईवे पर तो गाड़ी एवरेज भी जा रही है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आएगा, ये तो कोई बढ़िया एवरेज देने वाली गाड़ी हो तो ही कुछ समझ में आता है कि टोल बचाए, नहीं तो ये भी कोई ज़्यादा वर्थ नहीं है टोल बचाना, इससे अच्छा कि आप टोल दो ये वाला भी।
और इसके बाद अपन जाएंगे मनोहरपुर। इसके बाद अपने को मनोहरपुर टोल मिलेगा जो कि अपना 30 रुपये का टोल आता है और उसकी साइड 95 रुपीज़ है वन साइड जर्नी। तो देखते हैं वहाँ भी क्या सीन है। तो दो टोल तो देख लिए, दोनों टोलों में मेरे को कोई खास मज़ा नहीं आया क्योंकि रिस्क रहता है, एक तो रोडें ख़राब रहती मिलती है, दूसरी वहाँ पर ट्रैफिक ऐसे आता है तो इस चक्कर में। तो लो भाई आ गया हाईवे किंग। हाईवे किंग आने से साथ साथ ही मौसम इतना बढ़िया हो गया, बार बारिश की हो रही है हल्की हल्की और हवा चल रही है तेज़ ठंडी ठंडी। तो देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश आ रही है। अभी इसमें कैमरा दिख रहा है नहीं दिख रहा साहब, बूंदी आ रही है अच्छी। और ये देखो 360 डिग्री इनका पास भी है, इन्होंने भी अंदर रख दिया बारिश में दिखने के कारण। और ये देखो यहाँ इन्होंने कितना अच्छा अपने नाम के लिए फाउंटेन तैयार किया है। और यहाँ मेरी नज़रों से देखोगे तो ये मौसम ना बहुत प्यारा मौसम। और इस मौसम में आप अंदर आ गए और अब हम इसके अंदर मौसम में खाना तो खाएंगे नहीं, पर मेरा जो फेवरेट है अटल हाईवे किंग का पनीर पराठा विद कर्ड, उसके साथ ही मिर्ची वाला अचार, एक अलग ही स्वाद आता है। तो लो जी भाई पनीर पराठा टूस लिया भाई, खा लिया अच्छे से हम, क्योंकि इसका खाने के साथ वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया वो इतना टेस्टी होता है और एक हेल्दी भी है। इसमें क्या है कि पनीर और ये तंदूर में सेका हुआ पराठा है और ऊपर मक्खन देते हैं, तो कोई इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है, अपन खा सकते हैं दही और उसके साथ मिर्ची। और आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकेशन भी देखो, ये क्या होटल हाईवे किंग की जहाँ भी रुकते हैं ना वहाँ ये इन लोगों ने ऐसा सेटअप तैयार कर रखा है। और ये बहुत प्यारा सेटअप है, पीछे एक गार्डन और उसमें ना अच्छे अच्छे पौधे लगा के रखते हैं, जो अगर आप फ्री और आराम से रुकना चाहते हो बैठना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छी जगह। अभी इनका क्या यूज लेंगे आगे वो तो पता नहीं, पर देखो मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है और इस मौसम के हिसाब से तो ये ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और इनके पास सर्वे भी है और इनके पास और भी ब्रांडेड शोरूम है, जैसे जोकी का हो गया, पूमा का हो गया, एडिडास का हो गया। तो ओवरऑल है ना ये बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए और इनका खाना भी बहुत अच्छा है और थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा आपको पर खाना अच्छा है। तो इसलिए ये हमने देखा कि हाईवे किंग पे लोग इस यहाँ पे भी इतना फेमस है, इसलिए ये कि यहाँ पे खाना अच्छा है और लोकेशन रुकने के लिए आदमी माइंड से फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए मैं हम भी यहाँ रुकते हैं और रुकने के साथ साथ यहाँ पे पनीर पराठा जो फेवरेट है वो ज़रूर खा के जाता हूँ मैं तो। तो चलो चलते हैं अब अगले टोल पे। अगला टोल है मनोहरपुर टोल। अब देखो यहाँ से मनोहरपुर पड़ेगा 40 किलोमीटर आसपास, तो 30-40 किलोमीटर के बाद अपन मनोहरपुर रुकेंगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ से कोई रास्ता साइड में जाता है क्या और लोग जाते हैं क्या उससे, तो वो भी पता चल जाए कि लोग कितने लोग जाते हैं और कितने लोग टोल बचाते हैं। तो भाई देखो आगे अब यहाँ तो बरसात नहीं आई, अब हल्की हल्की बूंदे स्टार्ट हो जाती है। अब तो मामा को यही बोल रहा था कि अपने को देख के बूंदे अपने साथ साथ चल रही है बरसात अपन जहाँ चलेंगे बरसात अपने पीछे पीछे आ रही है। तो ये देखो अभी देखो यहाँ बरसात नहीं हुई, पर ये देखो मनोहरपुर थाना आ गया और थाने के आगे ये टोल। अब इस टोल से यू टर्न लेके आना है और वापस नवलपुरा की तरफ चलना है। तो ये भी देख लेंगे कि ये कितना लंबा पड़ता है और ये वर्थ है नहीं है और कितने लोग इस रास्ते को यूज करते हैं। तो अपने को यहाँ से आगे से यू टर्न लेना है और यू टर्न लेने के बाद चलते हैं। देखो ये है ना, ये आजकल जब से फास्टैग लगा ना तब से यहाँ ये भी इशू भी नहीं होता। पहले तो क्या होता था लोगों को शायद रास्ते इसलिए मिल गए कि पहले यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी और जब लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी तो लोगों को ना साइड से पहले ही निकल जाते थे कि जाम में ना फंसे। तो इस वजह से हो सकता है कि लोगों को रास्ते मिल गए हो और इस वजह से ही ये लोग टोल बचाने की सोच रहे हैं। उसके पहले जब से ना RFID लगी है ना तब से तो मेरे को लगता नहीं कि लोग टोल बचाते हैं, ज़्यादातर लोग तो टोल देके जाते हैं क्योंकि लंबी लाइन में परेशान नहीं होते और उनको आराम से ना कम टाइम में निकल जाते हैं। तो ये भी ठीक है। हम देखो हमने यू टर्न ले लिया था और यू टर्न लेते ही पहला कट आएगा लेफ्ट की तरफ, तो इधर घूमेंगे हम और इसका भी देख लेते कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। सरकार को तो पूरा नुकसान है इसलिए बचाया मत करो टोल, टोल तो देना ही है और लोग जाते हैं तो मैं वही देख रहे थे कितने जाते हैं। तो देखो बोर्ड लगा हुआ है अपने को नवलपुरा की तरफ जाना है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है, मतलब अपने को 3 किलोमीटर आगे जाना है। और ये अंदर का रास्ता है, ये मनोहरपुर के मार्केट के अंदर से जाता है। तो ये देखो 20308 ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो कहाँ पे ख़त्म होता है कितने किलोमीटर लगती है वो इससे ही देखते हैं पर अपनी गाड़ी से ही। अब ये देखो विशनगढ़, विशनगढ़ में बहुत अच्छा किला है
और होटल है उस किले में, वो होटल खुल गया, पर वो बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको कभी घूमने का मन हो तो उस होटल में जरूर जाना, मेरा भी मन तो है उस होटल में कभी ठहरूं, पर अभी थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम आती है। पर मैंने जब वहाँ से नीचे दो तीन बार गुजर चुका, पर वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है और मन तो कई बार करता है कि यहाँ रुको, तो देखते हैं कभी फ्यूचर में बनता है नहीं बनता। अभी देखो इस रूट से ट्रक भी आ रहे हैं, तो मे बी ये लोग भी टोल बचाते हैं, और ये रिस्की है गाँव वालों के लिए क्योंकि बड़ी ट्रक बड़ा है तो ट्रक नुकसान भी कर सकते हैं लोगों को। तो ये देखो यहाँ से भी लोग तो आ रहे हैं और बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, शायद ये टोल वालों को पता होता है, पर ये अंदर से इनको आने से रोक नहीं सकते क्योंकि ये लीगल नहीं होता ये इसके लिए। तो यहाँ अंदर लोगों ने क्या कर रखे हैं, कई जगह इन लोगों ने बैरिकेड खड़े कर रखे हैं जिससे छोटी गाड़ियाँ तो निकल जाती है, बड़ी नहीं निकलती। तो वो भी लीगल है अनलीगल है वो तो गवर्नमेंट ही जाने, पर ये लोग कर देते हैं। और ये भी एक नदी है, ये देख रहे हो आप इस राइट में और लेफ्ट में, ये एक नदी है पर अभी भरी हुई नहीं है तो अभी तो, और यहाँ भी हरियाली बहुत है, इसका मतलब पानी आया होगा बरसात का तो अच्छे से ही भरी होगी, पर अभी बहती हुई नहीं है कि बोलो यहाँ के अपने जयपुर में अभी इतने तेज बारिश नहीं हुई इस साइड कि ये बहने लगे बहुत तेज। तो इस रोड पे हम आ गए हैं लगभग लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा आ गए, और 2 किलोमीटर आने के बाद हमने देखा कि भाई इसमें रोड में कुछ थोड़े बहुत खड्डे भी हैं और ब्रेकर भी आते हैं, और यहाँ से लोग तो आ रहे हैं वैसे, तो वही बात है आप अंदर से इतना चलोगे तो आपकी गाड़ी वैसे भी एवरेज कम देगी जितना, और अंदर चलोगे किलोमीटर तो वैसे भी नुकसान होगा, तो आप इससे अच्छा तो क्या आप टोल दे के आराम से सीधे निकल सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा। और अब देखो हम लोग लगभग लगभग पहुंचने वाले, मेरे को आइडिया तो ये कि भाई पहुंचना नहीं चाहिए क्योंकि 3 किलोमीटर लिखा हुआ था, जो पेट्रोल पम्प दिख गया इसका मतलब पहुंचने वाले हैं। तो भाई यहाँ से 100-150 मीटर पे आ जानी चाहिए रोड, अभी ये तो सब लोकल है, इन लोगों के लिए नहीं कह सकती, ये लोग तो अपने घर जा रहे हैं, लोकल आदमी तो अपने घर इसी रास्ते से जाएगा, वो तो जो हम जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो हम लोग जैसे टोल देना होता है तो हम लोगों को ही सोचना है कि हमें सीधा राइट रोड से जाना है, टोल बचाने के चक्कर में इधर उधर नहीं घूमना। ये देखो यहाँ से राइट ले लेंगे हम, यहाँ नवलपुरा का बोर्ड लगा हुआ है, अब यहाँ क्या लोग इसको बचाने के लिए तो उल्टा नहीं जाते वापस जाते हैं, तो रोंग साइड ये भी रोंग साइड जाते हैं और यहाँ पे भी खड्डे और ये हो रखे हैं, तो ये भी थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मेरे को दूर से दिख रहा है कि यहाँ खड्डे वड्डे हो रखे हैं और बरसात के मौसम में तो बहुत खड्डे, और सबसे खतरनाक तो मेरे को ये कट लगा क्योंकि यहाँ तेज स्पीड से गाड़ी आती है और उनके बीच में से गाड़ी निकालना, ये देखो बहुत तेज गाड़ी आ रही है और तो रिस्की हो जाता है। इस साइड भी हम जब तक गाड़ी आगे नहीं निकालते जब तक दिखता नहीं है, तो ये भी मेरे को बहुत रिस्की लगा। अब देखो घुमाते लिए हमने गाड़ी, अब देखते हैं कोई आ रहा नहीं आ रहा ट्रक, देखो ये बहुत रिस्की है, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खो सकते हो, इसलिए मैं भी इसको इस टोल को भी मैं मना ही करूँगा कि बचाने की कोशिश ना करे, 10-20 रुपये का फर्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई लो हमने तीसरा टोल भी क्रॉस कर लिया, और अब आएगा छोटा टोल जो कि है दौलतपुरा टोल, मेरे को लगता नहीं कि वहाँ के बना वीडियो बनाने की ज़रूरत है क्योंकि 3 टोल देख लिए, तो बस मेरा यही कहना है कि जब भी आप जाओ तो टोल दे के जाओ और आराम से अपना समय और अपनी सुरक्षा के हिसाब से रोड से ही चलो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार शेयर करके जरूर बताना, क्योंकि ये तो एक हमने टेस्ट किया था कि भाई लोग जाते हैं बचा के तो कोई फ़ायदा है नहीं है नहीं है, तो अगर आपको कैसा लगा कि फ़ायदा है या नहीं है तो आपको समझ में आया होगा, तो आपको जो भी ठीक लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्यों सबसे ज़रूरी है जब भी आप सफ़र करो तो अच्छे से और सावधानीपूर्वक करो जिससे कि आपकी भी जान सही सलामत रहे, आपकी वजह से कोई और नुकसान ना करे। थैंक यू।